और अभी तक मेरे स्तर पर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी आम आदमी पार्टी के लिए क्या? मुझे क्या पता आप प्रॉब्लम आई के लिए आएगी? तो अगर आपको आई होगी तो आपको नहीं पता है कि प्रॉब्लम आई कि नहीं? अरे भाई मुझसे कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्यों नहीं पूछेंगे आप बिना मर्जी के किसी आपके कोई कार्यकर्ता या कोई वो बिना मर्जी के किसी के पोस्टर घर पे चिपकाए? कानून से चलेगा साहब। हैं? कौन सा कानून है आपके पास किसी घर पे पोस्टर चिपकाने का? सर अपना ऑफिस आप दिखाइए आप ऑफिस में कार्रवाई करिए अगर करना है आपको तो। हैं? क्या कह रहे हैं भाई? जो कानून में कार्रवाई बनती है कर लीजिए अगर करना है। अरे ऐसे जबरदस्ती कोई करेगा आप खाली इस तरह कहते रहे पकड़ लो कानून में कार्रवाई कर दो। थोड़ा सा धीरे तो कानून में कार्रवाई था तो लाया ना धीरे से नहीं से। ऐसा है धीरे सूरे से नहीं बोलेंगे अगर कोई बात होगी तो इसी तरह बोलेंगे हम क्योंकि मैं कोई मिस्टेक नहीं करता हूं किसी के साथ। पूरे का पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है मोदी आने वाले हैं आदि आने वाले हैं फलना अभी तो मैं कल अमेठी से गुजर रहा था आपके लोग उससे बिना अनुमति के वहां पर चौक पे लगा रहे थे कि राहुल हार रहा है फलना हार रहा है। क्यों लगा रहे हैं इस तरह से बिना अनुमति के लगाएंगे किसी के घर पे? किसने कमेंट किया? कमेंट नहीं मैंने देखा है पोस्टर लगा रहे हैं। किया सर ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपको कमेंट मैंने देखा खुद कमेंट क्या करने की बात आपके लोग किया है ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। कंप्लेंट आप सार्वजनिक स्थल पे लगाओगे तो कौन कंप्लेंट करेगा आप बताओ मुझे? पूरा कमरे से लगा रखा है चारों तरफ। कहाँ चारों तरफ लगा रखा है? से क्या मतलब है? अपने कंप्लेंट कंप्लेंट सार्वजनिक स्थल सुनिए कंप्लेंट मेरी बात सुनिए आदर्श आचार संहिता के नियम से कि वो सार्वजनिक स्थल पर कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बैनर पोस्टर आज नहीं लगा सकता है। साहब आप कानून चलेंगे ना कि कैसे चलेंगे? ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको फिर आदर्श आचार संहिता क्या कहती है? सार्वजनिक स्थान पर जो भी लगाते रहिए क्या कहती है आप बताओ? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ मना करती है तो मना करती है तो क्यों लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहा था मैं पूछो उनसे पोस्टर पहना कहाँ से आ गया कितने? हम तहरीर दे रहे हैं ना अभी हम जिस घर पे लगा रहे थे उसने लिखित तहरीर मेरे यहाँ दिया है दिखाई चौकी पे है ना मेरे पास चौकी टिकट माफी में है और वहां से आने में समय लगता है। तो क्या एक्शन लेंगे उसको? लेंगे जो बनेगा नियम। क्या नियम बन रहा है आप क्या नियम पूछिए आप ये सब पूछने का अधिकार नहीं सर। आप कौन हो हमारे पूछने वाले? जो नियम बनेगा कार्रवाई करना आप उसका अपना जो भी करना होगा। मैं वकील हूँ। वकील है? अगर आप वकील होते तो इस तरह बात ना किया करते। तो क्या बात करते हैं आप? ऐसा सर जी सुनिए सर जी आप न्यायालय में बात करिए बात करेंगे और क्या समझ रहे हैं ये कोई न्यायालय है क्या? डाले हुए नहीं आप बात कर सकते आप बात करिएगा न्यायालय में तो फिल्म नहीं है 3 घंटे वाली ठीक है। न्यायालय में जाइए पहले एप्लीकेशन डालिए अब आप उसके वकील हैं अपना आवाज़ शो करिए फिर उसके बाद हमसे पूछिए वहाँ से न्यायालय में दिल्ली दीजिए पूछिए वहाँ से हम न्यायालय में जवाब देंगे उसको न्यायालय जवाब आपको मिल जाएगा न्यायालय से प्रति ले लीजिएगा यही इंडियन लॉ है सर जी। अब वकील है तो मतलब जान के चलिए यही है। अरे भाई आप हमसे नहीं पूछ सकते ना हम आपको बताने के ट्राइज हूँ बताओगे नहीं बता सकते आपको आपको नहीं बता सकते जिस जोन में बंद किया है तो नहीं बता सकते आपको रीजन है गोपनीयता का कानून है मैं अपनी बनाए रखा है मेरा अधिकार है क्षेत्र में क्या होता है मैं आपको नहीं बता सकता आपको पूछना हो न्यायालय से पूछिए कानूनन पूछिए कानूनन जवाब मिलेगा आपको लिखित पढ़त में मिलेगा जवाब आपको। क्या बात ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्डिंग हो गई मुसीबत आपको ये इंडियन कानून है सर जी रिकॉर्ड कर रहे मुझे मालूम है रिकॉर्ड कर लेने दीजिए न्यायालय में जाइए अपना वहाँ दीजिए एप्लीकेशन डालिए वहीं से पूछिए रात में न्यायालय नहीं खुला रहता है। अरे हमको जो शिकायत मिली उसकी दिखा देंगे कि हम सब पे शिकायत दिखा दीजिए कहाँ शिकायत? अरे नहीं कोई शिकायत करेगा हम ही लिखवा देंगे क्या करना है? बढ़िया है हम ही वादी बन जाएंगे आप ही मालिक हैं सर। अरे कोई नहीं बनेगा हम ही वादी बन जाएगा सर जी तो कह रहे सर शरीर हम ही दे देंगे कोई नहीं देगा तो भाई साहब ये जो अभी एक अरेस्ट हुआ है ना यहाँ पे संग्रामपुर थाने में हाँ। ये आपने कंप्लेन दाखिल किया है?
कंप्लेंट साहब यहाँ पोस्टर लगा दिया, हम अंदर रहे लिखे नहीं। नहीं नहीं, तो आपसे गाली गलौज किया उन लोगों ने? गाली गलौज हम सब जंग में नहीं थे, सो रहे थे। आप लोग सो रहे थे ना? हाँ। तो आपसे मतलब आपके बगैर उसके पोस्टर लगा रहा था, ये कह रहे हैं ना? हाँ हाँ। आपसे झगड़ा तो नहीं किया उन लोगों ने? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, हम अंदर रहे सर, सोते रहे। अच्छा। आए देखें तो और कुल लगा है पोस्टर। अच्छा, फिर क्या हुआ साहब? तो ले गए चौकिया पे, वो लिखे नहीं। तो कब 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 किया, कब लगा रहे थे पोस्टर? अब शाम की लगाए, नहीं हम तो सो ही रहे शायद। अच्छा, आप तो सो रहे थे? नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, अंदर। अच्छा, आप अंदर सो रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपको तो मतलब मालूम ही नहीं, उनको उन लड़कों को पहचानते हैं आप? ठीक है, इन लड़कों को पहचानते हैं जो जो लड़के लगा रहे थे पोस्टर? नहीं, उनको नहीं, देखे नहीं, नहीं।, नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये का, ये तो जो जो थाने जा रहे हैं उनको बोल दीजिए कि भाई आप, आप आपको केस नहीं चाहिए, ये तो बच्चों हाँ। को बच्चों को बंद कर रहे हैं थाने में। अच्छा, इनको बोलिएगा मैं बात कराऊं। हाँ, एक सेकंड होल्ड करिए, होल्ड करिए। सर आप बात कर लीजिए इनसे। क्या बात करूँ, लिख दिया है ना। अरे सर, आपने ये आप लिख के दिया है आपने एप्लीकेशन? ये जो एक आपने तहरीर दिया है, आपने लिख के दिया है? नहीं, हम नहीं लिखे साहब, नहीं सब लिखे नहीं। अच्छा, आपने आपने नहीं लिखा है? नहीं नहीं, हमारे नाती के रहने नहीं सब बोलेंगे, उनमें लिखी से। तो किसने लिखा सर ये? नहीं नहीं, मार नाती के राम साथे नहीं बोले, नहीं पुलिस वाले सब। हाँ, वो वही हिसाब से लिखी थे। और जो पुलिस वाले कहे वही आप लिख दिए? अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो इनको बोल दीजिए ये बात। हाँ, हाँ। को बोल, एक मिनट मैं बात कराता हूँ आपको, इस हिसाब से सजी बात कर लीजिए। अरे सर, जो आपका नंबर है। हाँ भैया, बताइए क्या हुआ? वो आदमी कह रहा है। हाँ भैया, सीआरपीसी में बयान कोई कुछ देता है वहाँ जाके बदल जाता है। सर जी, कहा है कोई? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लिखित तहरीर है उसकी, मतलब जो कंप्लेनेंट कह रहा है कि पुलिस वाले ने लिखवा लिया मुझसे। हाँ बताइए। देखा तक नहीं है सर, वो तो बोल रहा है। ये पचाता हेलो, सर जी ये तीनों पचाता तक नहीं है। आप कैसे जो प्रार्थी है सर, वो कह रहा है कि वो सोया हुआ था। सोया था, कह रहा है कि उसका नाती